मरने से बनते हैं, मगर अगला जाने तक ना। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ये लो, आप मुझे कैसे पहचानोगे? आपने कभी मेरे को देखा है? कभी सुना है मेरे बारे में? इसमें आपकी कोई गलती नहीं अंकल, प्लीज डोंट गेट एम्बैरस्ड। सोम, ये श्रद्धा है। श्रद्धा हूँ। आज जी मैंने सोचा तुम खबर देकर आओगी। अम्मा जी ने कहा था, लेकिन ये पब्लिक टेलीफोन मेरे को बिल्कुल नहीं जमे। पहले सिक्का डालो, फिर नंबर डायल करो, फिर। अरे नहीं नहीं नहीं, पहले नंबर डायल करो, फिर वहां से कोई हेलो बोले तब सिक्का डालो। वही तो, कितने सिक्के डाले मगर बस हेलो, आगे कुछ नहीं। जब 2-3 सिक्के मशीन हजम कर गई तो मैंने सोचा मैं सीधे आ ही दमकती हूँ। अगर हम यहाँ नहीं होते तो इतनी रात गई तुम कहाँ जाती? अरे आंटी जी, दुनिया इतनी बड़ी है और तुम अकेली लड़की। अकेली? इधर आइए। नहीं नहीं, आप नहीं, सुमंगल आप आइए। मैं पढ़ लूँ अंकल? आइए आइए, डरिए मत, प्लीज आइए। श्रद्धा ऐसे ही आने की झूठ बूट की। आप इमेजिन कीजिए कि मैं शीट पे खड़ी हूँ। सुनो। अरे अंकल छूए ना। ये लड़की वेरी गुड वेरी गुड, जरा मवालियों की तरह बोलिए। हाय डार्लिंग। अब कहिए हूँ क्या अकेली लड़की? सेल्फ डिफेंस के लिए कल से शुरू करते हैं, सुबह 5 बजे बाहर लॉन में। ओके अंकल, आप लेजी तो नहीं है ना? तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ आंटी जी, बहुत बहुत लगी है। अरे तो इतनी देर से बताया क्यों नहीं? वो क्या है ना कि बातों में मैं अपनी भूख ही भूल जाती हूँ। वैसे लोग कहते हैं कि मैं बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हूँ, अगर आश्रम में मैं चुप हो जाऊँ तो उन्हें लगता है हवा ही रुक गई है। आश्रम में? ओ, तो तुम आश्रम से आई हो? आपको नहीं पता था मैं आने वाली हूँ? खैर, कैसी हूँ मैं? A very pleasant surprise, हूँ ना? हेलो ऋचा। हेलो अंकल। कितनी देर कर रही तुम आने में? कब से इंतजार कर रहे थे? जी हाँ, हमें थोड़ी देर हो गई। अंकल, मेरी छोटी बहन है रिया, राहुल के कॉलेज में पढ़ती है। हेलो अंकल। हेलो बेटे, आई एम सो हैप्पी यू हैव कम, गो जॉइन राहुल। ऋचा, तुम्हारी मम्मी नहीं है? जी हाँ, वो नहीं आ पाई। हम उनका भी इंतजार कर रहे थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? पहले बताया होता तो हम पार्टी कैंसिल कर देते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ये क्या चुपके चुपके बातें हो रही है पीएस? अभी से बिजनेस डिटेल्स तो नहीं समझानी शुरू कर दी कहीं? हेलो अंकिता, कंग्रेचुलेशंस ऋचा, यू आर लुकिंग जस्ट राइट टू बी आवर डिजाइनर। इज़ यू लुकिंग गॉर्जियस डार्लिंग। थैंक यू। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? आज की हमारी स्पेशल गेस्ट आ गई हैं। मे आई प्रेजेंट मिस ऋचा शोरी। मैं चाहती हूं कि आप सब लोग इस लड़की को अपनी ब्लेसिंग्स दें, ताकि आप लोग जो सिर्फ सपनों में देखते हैं उसे ये हकीकत का रूप दे सके। और आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ हम इस बुटीक को भी उसी मकाम तक ले जाएं जहां तक कि सेठ परिवार का हर प्रोजेक्ट जाता है। आवर बुटीक विल बी द बेस्ट। आई डोंट वांट टू गो, प्लीज प्लीज।
देखिए मुझे मालूम है इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, चलो ना प्लीज मेरी खातिर चलो। चलिए ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? अब तुम उस जिंदगी की तरफ देखना शुरू करो जो सिर्फ जरूरत ही नहीं उससे कहीं ज्यादा हो। सोम, मैं नहीं जानती थी वो इतनी जल्दी आ जाएगी। मेरा मन उब जाता है सुबह जब तुम काम पर निकलते हो तो ये खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। आखिर ये मेरा घर भी तो है, क्या मैं अपनी मर्जी से छोटी सी चीज भी नहीं कर सकती? ये छोटी सी चीज नहीं है सुप्रिया, और अब तो मुझे सोने दो, मुझे सुबह जल्दी उठना है। I'm sorry, सोम, लेकिन प्रिया के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। आखिर कोई तो चाहिए जिसके साथ हम समय बिता सके। तुम क्या समझती हो, मैं प्रिया के बारे में नहीं सोचता। जब भी ऑफिस में अकेला बैठा रहता हूँ बस उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन हम उसे अभी वापस बुला भी तो नहीं सकते। आखिर समय से समझौता करना ही पड़ेगा। क्यों करें हम समझौता जब हमारी अपनी बच्ची इस दुनिया में, भले ही हमसे इतनी दूर है लेकिन कभी ना कभी तो उसे बुला पाएंगे। यही सोचकर हम खुद को तसल्ली दे सकते हैं। लेकिन श्रद्धा तो अब यहाँ आ ही गई है, बस थोड़े ही दिन तो रहेगी। अगर हम उसे बेटी का प्यार दें तो। सुप्रिया, इंसान हर किसी को अपनी औलाद तो नहीं मान सकता ना। लेकिन सोम, अगर हम उसे बेटी का प्यार देंगे तो उससे हमारा प्रिया के लिए प्यार कम तो नहीं हो जाएगा? अब तो मुझे सोने दो, मुझे सुबह उठ के कराटे सीखना है। गुस्सो, थैंक यू, इट्स गॉर्जियस। हेलो कुमार, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम यहां आओगे। I'm glad to see you. Oh, Nikki, my darling. कैसी हो तुम? बहुत अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। Hello, Mr. Sharma. Congratulations. आपने बहुत जल्दी बुटीक शुरू कर दिया। Thank you. जी हाँ, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। जी हाँ, बहुत जल्दी हो गया। रेवती का अचानक मर जाना, हमारा बुटीक बंद हो जाना, अब रेवती की तेवी पर आपका ये तय कर लेना, सच में बहुत जल्दी हो गया। जी हाँ मिस्टर शर्मा, मैं जानती हूँ, मगर मुझे तौर तरीका बहुत जल्दी सीख गई। एक बात याद रखना, बुटीक खोलने में और चलाने में फर्क होता है। बुटीक खोलना शायद आसान हो लेकिन चलाना शायद आसान ना हो। शायद चलाना भी आसान हो जाता है जब वो सेल्स की बुटीक होती है। रिचा, निकिता तुम्हें ढूंढ रही है। खुशी बांटना चाहती हूँ कुमार, जैसे तुम अपने दुख बांटना चाहते थे। वैसे आजकल मैं अपनी बुटीक के लिए एक जगह ढूंढ रही हूँ, चाहो तो तुम अपनी बुटीक मुझे देख सकते हो।
बुटीक मुझे बेचकर मेरी खुशी में शरीक हो जाओ कुमार। मैं चाहता हूँ अमृता जी, बेहद चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ प्यार की खातिर। क्या है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ जो निकिता ना चाहे। अब देखो ना, उसको जिद हो गई है कि हमारा बुटीक दोबारा से शुरू किया जाए। देखते हैं क्या होता है। इस दिन रात प्लानिंग चल रही है। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप शायद एक बात जानती हैं, निकिता आजकल मेरे साथ रह रही है। राहुल, राहुल क्या कर रहे हो? कोई भी आ सकता है। वहां शैंपेन काफी है लोगों को रोकने के लिए। पहले तुम ये बताओ, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? ऋचा दी नहीं आ रही थी। She's really looking good today. राहुल, वो मेरी बड़ी बहन है और तुम प्लीज उनके साथ फ्लर्ट मत करना। हटो। चलो रिया, कहीं बाहर चलते हैं। बाहर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम देख तो रहे हो। ऐसे नहीं, जहाँ किसी के अचानक आने का डर ना हो और जहां से जाने की तुम्हें जल्दी ना हो, सिर्फ मैं और तुम। राहुल, तुम्हें हुआ क्या है? जो तुम्हें नहीं हुआ। I just want to hold you forever. मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता। क्या ये तुम महसूस नहीं करती मेरे लिए? रिया, हाय रिचा, are you enjoying the party? रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ कर भी क्या सकते हैं, बातों के सिवाय। तुम इतना घबरा क्यों रही हो रिचा? आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ रिया। रिया, तुम इसी वक्त यहाँ से चलो। चलो, राहुल, मैं जानती हूँ कि तुम रिया की देखभाल कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग हैं इसकी परवाह करने के लिए। कैसे हैं पापा? I miss you, पापा। निकी, तू मुझे बता के भी तो जा सकती थी बेटे, इतना बड़ा अपमान किस लिए? मैंने तो तेरे प्यार में कभी कोई कमी नहीं की। अगर कह के जाती तो कभी जा नहीं पाती। पर जाना ही क्यों पड़ गया? एक पल में तेरे मेरे बीच के तमाम रिश्ते खत्म हो गए निकी। पापा प्लीज, मैं तो समझ नहीं पाती, कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए। तेरे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं लड़की हूं, बस समझ लीजिएगा मेरी शादी हो गई। दिमाग से समझना और दिल को समझाना एक नहीं है बेटी। तू रिचा के घर रह सकती है, अपने घर नहीं। जब तेरा पापा मर जाएगा, उसने तो घर आएगी ना। पापा प्लीज ऐसा मत कहिए। अगर आप मेरे कुछ करना ही चाहते हैं तो हर हाल में रिचा की मदद कीजिएगा। उस घर में तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? रिचा की माँ तुझे पसंद करती है ना? पापा सब कुछ ठीक है, आप बस मुझसे ये वादा कीजिएगा कि आप ऋचा की मदद जरूर करेंगे। ऐसा वादा क्यों चाहती हो तुम? अनजाने में मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, शायद उसी का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। आप मेरी बात रखेंगे ना?
मिसेस शोरी हूँ। मिसेस शोरी? रिचा की माँ। ओह प्लीज डू कम इन। हाउ आर यू? वेरी वेल थैंक यू। क्या लेंगे आप? कुछ नहीं। रिचा बहुत ही टैलेंटेड है और खासकर एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करके इतने इनोवेटिव डिजाइन सोच लेना बहुत मुश्किल होता होगा। आफ्टर ऑल एक्सपोजर ही क्या रहा है बेचारी का, लेकिन मैं उसे हर अपॉर्चुनिटी दूंगी। शी हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल। रिचा मेरी बेटी है मिसेस सेठ। ऑफ कोर्स। वो क्या एक कहावत है ना, रघु दादा कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर है। अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं तो सोचती हूँ उसे कोर्स के लिए लंदन भेज दूँ। अब बचपन की सारी अपब्रिंगिंग धो तो नहीं सकती, लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ। मैं तो नहीं समझती कि उसकी अपब्रिंगिंग में कोई कमी रह गई मिसेस सेठ। हाँ, मैं उसे ये पार्टी कल्चर नहीं दे पाई या डिस्कोज में भी शायद नहीं घुमा पाई, लेकिन उसने सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ी हैं, बेहतरीन फिल्में देखी और फाइन आर्ट्स के साथ अच्छी खासी दोस्ती है उसकी। आई डोंट थिंक कि उसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करने में कोई तकलीफ होगी। एंड आफ्टर ऑल ऑल कमर्शियल थिंग्स ड्रॉ देयर रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लासिक्स एंड शी हैज अ गुड बैकग्राउंड ऑफ क्लासिक्स, लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग। मैं तो सिर्फ उसके अच्छे के लिए कह रही थी। हाँ ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ। रिचा भी आपको बहुत पसंद करती है जैसे निकिता आप। अच्छा निकिता आपके यहाँ है या किसी और के घर गई? यस डार्लिंग इनसे मिलिए, ये है मिसेस शोरी, रिचा की मामी, माय हस्बैंड। नमस्ते, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, और आपको भी। एक्सक्यूज मी हाँ, यू टू गेट टू नो ईच अदर। राधा, अमृता की बात का बुरा नहीं मानना। उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसका बुरा माना जाए। नहीं, तुम दोनों में बहुत फर्क है राधा। देखिए आप अगर मुझे मिसेस शोरी कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा मिस्टर सेठ। तुम उससे बदला ले रही हो? नहीं, सिर्फ सच्चाई को उसके हर रूप में समझने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक्स ऑल फॉर कमिंग। यू लुकिंग लवली, नाइस कलर। थैंक्स मॉम, रियली थैंक्स अ लॉट। यहाँ आते ही तुमने यहाँ की बोली बोली भी सीख ली। हमारे तुम्हारे रिश्ते में थैंक यू कहां से आ गया? कटारी लग रही हो। तू आई क्यों नहीं पार्टी में? मैं प्रेस में गई थी। प्रेस? हाँ, कुछ अर्जेंटली छपवाना था। और बता सेठ महल में क्या क्या हो रहा था? तू अचानक ऐसे आउटफिट में, वहां का कोई ड्रेस कोड है क्या? आज तेरा मिजाज बहुत तीखा है। बचपन से आप किसी को अपना आइडियल मानते हैं। आपको पता है कि आप नहीं लड़ सकते, लेकिन आपका हीरो हमेशा लड़ सकता है। तुम मेरी हीरो थी रिचा, और अब नहीं हो। मेरा हीरो अमीरों के तलवे नहीं चाटता। खैर अब तो तेरा स्टेटस ही बदल गया है। एनीवे हमें भूल मत जाना, याद रखना। कैसी बातें कर रही थी ऋतु? क्या हुआ है तुझे? तुम लोग ही तो मेरे सब कुछ हो। मैं जो कर रही हूँ तुम लोगों के लिए ही कर रही हूँ। मुझे तो लगा था कि आज मुझे तू एक सरप्राइज गिफ्ट देगी। सरप्राइज तो है, गिफ्ट है कि नहीं पता नहीं। Graces with your presence in the grand reopening of your own Revati's boutique.